यहाँ धरना पे बैठी हैं, क्या बात है? सर मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया है, जब से मेरी शादी है ये लोग प्रताड़ित करते आए हैं और क्या कहते हैं दहेज की भी डिमांड कर रहे हैं। जो भी था पहले ये लोग बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, 7 महीने बाद ये लोग गाड़ी की डिमांड करने लगे। और मेरे पापा ने मुझे एक प्लॉट दिया है जो लखनऊ में है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है। इन लोग को पता चला तो मेरा हस्बैंड बोलने लगा कि हमको ये मेरे नाम कर दो। तो मेरा हस्बैंड जो है वो शराबी का लती है, इन लोगों ने छुपा के ये चीज मेरी शादी कर दी इनसे। तो हमने उनका बिहेवियर देखा, वो पैसा एक भी नहीं देते हैं, मेरी सास के पेंशन से घर चलते हैं। मैंने बोला कि जब आप ऐसे हैं तो हम केस उस पर दे दें। कह रहे नहीं, जो बीवी का होता है वो पति का होता है, जो पति का है वो बीवी का। हमने कहा आपका तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है, मम्मी बोलती है सब मेरा है, सब मेरे हस्बैंड का बनाया हुआ है, आपका कुछ है ही नहीं, आपकी तनख्वाह है वो भी आप हमें नहीं देते हैं। आज तक सर, आज तक मुझे सोचिए चौथा साल चल रहा है शादी का, मुझे मेरे हस्बैंड की सैलरी ही नहीं पता है कि कितनी है, सैलरी स्लिप ही मैंने नहीं देखी आज तक। तो कब निकाल दिया गया आपको? अभी हम गए थे 2 दिन के लिए लखनऊ, मेरी मदर बीमार थी, तो मुझे इन लोगों ने 10 तारीख को जब हम आए वरुणा पकड़ के, रात में 12:15 बजे आई मैं यहाँ आई, तो इन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने अपने हस्बैंड को भी फ़ोन किया, अपनी सास को, जब नहीं उठा फ़ोन तो मेरे हस्बैंड ने उठाया, उन्होंने बोला मैं होटल में हूँ। मैंने कहा अरे मम्मी से कहिए हमको अंदर आने दे, कह रहे हैं अरे तुम फ़ोन करो तुम जानो। फिर मैंने फिर फोन पुलिस को फोन किया, और 8 तारीख को जाने से पहले मेरे पति ने शराब पी के मारपीट की थी, जिसका हमने जो है 100 नंबर भी फ़ोन किया था और एसओ को भी फ़ोन किया था। एसओ बोलने लगे आप रिटर्न में लिख करके दीजिए, वो नहीं ले जा रहे थे। अब क्या कह रही हैं, क्या मांगे आप? हमको पहले तो प्रवेश कराया, क्योंकि मैं बच्चे को लेकर दर दर भटक रही हूँ, मेरे पास कोई भी साधन नहीं है कि मैं खाना बना करके खिला सकूँ उसको, पैसे भी नहीं है, मैं कैसे रहूं। और सुरक्षा के साथ यहाँ पे, क्योंकि हमें अपनी जान का भी खतरा है बराबर, हम क्योंकि मैंने स्टेप बढ़ा लिया है तो बराबर मुझे जान के लिए धमकी मिल रही है कि तुम आए हो तुमको तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। नाथ सिंह शुक्ला नाम है जी, हम रुचि मोले, हमारी बेटी है। मैंने इसके 3 साल पहले जो शादी किया, चौथा साल चल रहा है, और ये हमारे दामाद जो है ये बहुत मतलब जो है ड्रिंक करके, जब हैवी ड्रिंक कर लेते हैं तब इसको रात में मारते हैं पीटते हैं। 3 साल से यही प्रकरण चल रहा है, और मार पीट करके पूरा जो खाना बनाती है पूरा खाना फेंक देते हैं, बच्चे 2.5 साल का बच्चा है उसका दूध फेंक देते हैं, और इस तरह से प्रताड़ित करते हैं। ये 8 तारीख को ये लखनऊ अपने मायके, हमारी वाइफ की तबीयत खराब चल रही थी इसकी मम्मी की, तो उसको देखने गई थी, और ये 8 तारीख को रात में इसको बहुत मारा पीटा, जो कि इसने जो है मतलब थाने पे इंफॉर्मेशन किया, तो जो एसआई थे यादव जी वो आए, मिश्रा जी आए थे। उसके बाद क्या हुआ फिर? जब यहाँ लौट के आई तो हम साथ में लेकर के इसको आए, और रात में जो है शाम को 5:30 बजे की ट्रेन थी वो जो यहाँ 5:30 बजे चलती है। घर पहुँचे तो क्या हुआ? घर पहुँचे तो इनके मतलब जो है सास थी, और उन्होंने जो है इसको जो है मतलब जो है बैठक पकड़ के पहले जो है खोला नहीं हुई, तो 100 नंबर जो है हमने फोर्स बुलाई, आकर के 100 नंबर आई तो उसने खुलवाया किसी तरह से, तो खुलवा करके कहने लगी मैं इसको जो है अंदर नहीं आने दूंगी, ये बहुत बदतमीज है, इसको कतई नहीं। तो ये अंदर जाने लगी तो इसको बाल पकड़ करके इसको धक्का दे दिया, और सर लड़ा करके मारा, जिसमें इसके कुछ चोटें भी आई हैं। उसके बाद में जो दरोगा जी ने हमसे कहा कि ऐसा है कि पहले हमारे पास कुछ पावर नहीं, आप पहले FIR लिखाइए, तो हम गए थाने तुरंत और जा करके इनके खिलाफ FIR जो है लिखाइए। आज क्या, आज धरने में क्यों बैठी लड़की? आज धरने में 3 दिन से हम, तब से जो है 400 रुपया जो है पर डे का मतलब लाज में ले करके जो है होटल में रह रहे हैं, और एक वक्त किसी तरह खाना मिलता है। हमारे परिवार में हम भी हार्ट पेशेंट आदमी हैं, और 2 बच्चे हमारे विकलांग हैं, एक लड़का एक लड़की, जो कि बेटी हमारी ये कहती है कि मतलब हम पापा जो है आपके ऊपर कब तक हम बोझ बने, और वो किसी तरह से हम चाहे हम मर जाएं यहाँ पे, चाहे हम लोग मार डालें, हम कतई यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। अब आप क्या चाहते हैं, किससे न्याय चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमारे बच्चे के साथ न्याय करे, और उसकी जान की सुरक्षा करे, और उसको जो है उसका जो हक है बेटे का उसको जो है दिलाए, और यहाँ पे रहे, हम कतई अपने पास रखना नहीं चाहते हैं उसको, चूंकि हम लोड उसका नहीं उठा सकते।